हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन आपको कहां पर मिलेगा, कहां से इसको बाय करना है, कौन कौन से एक्सचेंज पर ये अवेलेबल है, और बेबी डॉज कॉइन और 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन में से कौन सा आपको बाय करना है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप बेबी डॉज कॉइन को बाय करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बेबी डॉज कॉइन और 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन, ये दोनों एक ही कॉइन है। दोनों में जस्ट एक डिनोमिनेशन का अंतर है। कुछ एक्सचेंज पर ये बेबी डॉज कॉइन के नाम से मिलेगा और कुछ एक्सचेंज पर आपको ये 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन के नाम से मिलेगा, लेकिन ये एक ही कॉइन है। जस्ट यहाँ पर डिनोमिनेशन में डिफरेंस होने की वजह से आपको इसके नाम में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप कहीं पर भी इसको बाय कर सकते हैं, 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन या फिर बेबी डॉज कॉइन के नाम पर। डिफरेंस यहाँ पर ये रहने वाला है, अगर आप 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर चूज करते हैं तो आपको बहुत कम कॉइन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन का यहाँ पर सीधा ये मतलब भी होता है कि आपको 1 मिलियन बेबी डॉज कॉइन के बदले में एक बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरी तरफ कुछ एक्सचेंज पर आपको अभी जो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी है उसी में आपको बेबी डॉज कॉइन मिलेगा। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर 1 रुपए के बेबी डॉज कॉइन बाय कर रहे हो तो आपको अराउंड 55 लाख बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, या फिर मैंने कुछ लोगों ने जैसे मेरे को कमेंट भी किया कि आप इसको गलत बता रहे हो, झूठ है, 1 रुपए में सिर्फ 2 या 3 बेबी डॉज कॉइन मिल रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पर वो डिनोमिनेशन के डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज बेबी डॉज कॉइन की क्वांटिटी यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। प्राइस में अगर डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वांटिटी में भी डिफरेंस होगा। तो अगर आप बायबिट पर इसको बाय करना चाहते हैं तो बायबिट पर आपको एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी। $1 के अगर आप बेबी डॉज कॉइन बाय करते हो तो आपको करोड़ों में वहां पर बेबी डॉज कॉइन मिलेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप बायनेंस पर इसको बाय करते हो $1 के अंदर, तो बायनेंस पर आपको हंड्रेड्स की रेंज में ही यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन देखने को मिलेंगे, 1000 तक भी इवन नहीं देखने को मिलेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से एक्सचेंज पर इसको बाय कर रहे हो। बाकी कुछ एक्सचेंज की लिस्ट में यहाँ पर लाई हूँ जहां पर आपको बेबी डॉज कॉइन मिलेगा, बायनेंस, बायबिट, कॉइन डीसीएक्स, बिटगेट, MEXC, Gate.io, Bitmart, PancakeSwap, UniSwap, KuCoin, इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर आप बेबी डॉज कॉइन को जाकर बाय कर सकते हो। इनमें से कुछ एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज हैं और कुछ एक्सचेंज यहाँ पर सेंट्रलाइज हैं। तो जहां पर भी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वहां से जाकर आप बेबी डॉज कॉइन को इजीली बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने बायनेंस का लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बायनेंस पर अकाउंट क्रिएट करके वहां से इजिली बेबी डॉज कॉइन को बाय कर सकते हो। बाकी ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।